अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ एपी यूनिवर्सल बिजनेस। आज हम बने तो आज हम पढ़ेंगे कोकोनट के बारे में, इसके बेसिक बेसिक न्यूट्रिएंट्स और आपको बेनिफिट्स बताऊंगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ज़िंदगी में क्या रोल अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, सो जाते हैं सबसे पहले इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। कोकोनट जिसे हम कहते हैं अपनी ज़बान में खोपा, ठीक है, इसके अंदर है वाटर प्रेजेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मकदार में। तकरीबन वाटर इसके अंदर 46 ग्राम प्रेजेंट है। नंबर टू पे आता है आपके पास कैलोरीज, कैलोरीज इसके अंदर हद से भी ज़्यादा है, एक कोकोनट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 354 ग्राम कैलोरीज इसके अंदर प्रेजेंट है। नंबर थ्री पे आता है प्रोटीन, प्रोटीन इसके अंदर तकरीबन बहुत कम है, हद से भी ज़्यादा 3 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन फ़ैट इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, 33 ग्राम फैट इसके अंदर प्रेजेंट है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट है, काफ़ी अच्छी मकदार में है, वो तकरीबन 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। मिनरल्स में अगर जाएँ तो पोटाशियम के इसके अंदर हद से भी ज़्यादा प्रेजेंट है, 356 मिलीग्राम पोटाशियम इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बेनिफिट्स में। देखिए, कोकोनट्स के सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं। कोकोनट्स का जो ऑयल बनता है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। ठीक है, आपकी स्किन के लिए आपका जो स्किन मसाज होता है कोकोनट्स ऑयल से, ये आपके मसल स्किन के जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है, और नंबर टू पे आपके पास आता है इसका जो इसके ऑयल से आपका बॉडी मसाज होता है, ठीक है, वो आपके मसल्स इंक्रीज और ग्रोथ करने में प्रॉपर हेल्प करता है, और ये आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है आपकी बॉडी से। ठीक है, स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ है एक, जिसको रिड्यूस करने में कोकोनट बहुत अहम किरदार अदा करता है। ठीक है, अब बात जाते हैं इसकी तीसरी तरफ। ठीक है, आखिर बहुत से लोग इसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग ये खाते हैं लेकिन ये हार्ट के लिए ठीक नहीं होता है। इसकी बेसिक वजह ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट है। ठीक है, ये हार्ट के लिए इसका ऑयल ठीक नहीं होता है, लेकिन एक बात याद रखें, ये दूसरे वेजिटेबल्स की बनस्पत ये आपके जो ऑयल इसका है ये आपकी आर्टरीज़ के लिए बिल्कुल ठीक रखता है। जो आपकी आर्टरीज़ की सम हम ड्राई फ्रूट फॉर एग्जांपल ड्राई फ्रूट में आता है, जंक फूड हम लोग यूज़ करते हैं जब, तो हमारी आर्टरीज़ जो हैं वो उनमें इंजरीज होने लग जाती हैं, लेकिन इन इंजरीज को रिड्यूस करने के लिए इसका ऑयल बहुत ही मुफीद है आपके लिए। ठीक है, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम लोग ये ऑयल नहीं यूज़ करते, ये इससे हार्ट की बीमारियाँ पैदा होती हैं, लेकिन ये बात नहीं है, ये सैचुरेटेड फैट है। ठीक है, अनसैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेटेड फैट है, ये आपके जो है आपकी हार्ट को और आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर रेडी रखता है। ठीक है, और इसकी एक और बात करें आपके लिए कि ये आपके फैट लॉस के लिए बहुत मुफीद है और वेट लॉस के लिए भी। ठीक है, वेट लॉस के लिए अक्सर आपको एक टिप देता हूँ छोटी सी, अगर आपके पास और रियल कोकोनट ऑयल है तो आप लगा के तकरीबन एक से डेढ़ घंटा आप धूप पे बैठ जाएं। ठीक है, अपनी बॉडी के ऊपर लगा के आप धूप पे बैठ जाएं तो आपका फैट रिड्यूसिंग स्टार्ट होना जाएगा। ठीक है, तकरीबन एक मंथ तक आपका तकरीबन हाफ से 1 kg आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए इसके बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसके बाद ये आप इसको डाइट प्लान्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। डाइट प्लान्स में आप इसको मील बाय मील यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अलग अलग डे बाय डे रख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैट भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, आपके स्किन के लिए भी देखना कितनी मुफीद है ये कोकोनट ऑयल, तो इसके साथ भी आप वाटर 12 ग्राम वाटर लाजमी यूज़ करें, आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद रखते हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।